नमस्कार, मैं शिवेंद्र, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। आज है 7 जुलाई और आज पुण्यतिथि है भारत के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की। वो महाबली शूरवीर जिसके सामने दुश्मन थरथर कांपते थे, जिनको आज शेरशाह ऑफ कारगिल भी कहा जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल के नायक के रूप में जाना जाता है, जिनके कथनों में देश की सेना को जोश से उत्प्रोत करने की क्षमता थी। विक्रम बत्रा ही थे जिन्होंने 0.5140 को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराया था। तब अपनी कमांड पोस्ट को रेडियो से ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था। एडवांसिंग फॉर द अटैक एंड इट वाज लाइक ब्रेवो कंपनीज सक्सेस सिग्नल। वो आया व्हिच वाज पास्ड टू आवर सीओ कर्नल जोशी ऑन द रेडियो सेट। आफ्टर द अनदर बंकर वाज कैप्चर्ड द माय कंपनीज सक्सेस सिग्नल वाज ये दिल मांगे मोर। मात्र 24 साल की उम्र में मां भारती के लिए बलिदान हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान की सेना में विक्रम बत्रा के लिए शेरशाह कोड नेम का इस्तेमाल होता था। यही नहीं, कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म का नाम भी शेरशाह है, जिसे हाल ही में 2 जुलाई को रिलीज किया गया है। कैप्टन बत्रा को आर्मी से पहले हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भारी वेतन वाली नौकरी मिली थी, लेकिन आर्मी में शामिल होने के लिए उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी थी। स्कूल के दिनों में विक्रम बत्रा ने एक जूनियर बच्ची की जान बस से छलांग लगाकर बचाई थी। दरअसल बच्ची बस से गिर गई थी, ऐसे में विक्रम बत्रा ने आओ देखा ना ताओ और छलांग लगा दी। भारतीय सेना में शामिल होने का ख्वाब विक्रम बत्रा ने दूरदर्शन पर आने वाले एक सीरियल परमवीर को देखकर बुना था। कैप्टन बत्रा और उनके एक साथी को जब कारगिल की 0.5140 को फतेह करने का जिम्मा मिला था, तब इस मिशन के दौरान जब कैप्टन बत्रा ने वॉकी टॉकी के जरिए एक इंटरसेप्टेड संदेश सुना, इसमें पाकिस्तानी सेना कह रही थी कि शेरशाह तुम वापस चले जाओ वरना तुम्हारी लाशें वापस जाएंगी। इस पर उन्होंने कहा कि तुम 1 घंटे रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि किसकी लाशें वापस जाती हैं। कैप्टन बत्रा ने जब अपने पिता को 5140 पर कब्जे की सूचना सैटेलाइट फोन से दी, तो उनके पिता संदेश साफ साफ सुन नहीं पाए। उन्हें सिर्फ कैप्चर शब्द सुनाई दिया, जिससे उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने कैप्टन बत्रा को कैप्चर कर लिया है। 7 जुलाई 1999 को मिशन पूरा ही होने वाला था कि उनके जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक विस्फोट हुआ। इसमें नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। इस ऑफिसर को बचाते हुए कैप्टन ने कहा था, तुम हट जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। अपने एक साथी का बचाव करने के दौरान उन्होंने सीने पर गोली खाई और वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दौरान उस जाबाज के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। एक दफा कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोस्तों से कहा था, या तो वो तिरंगे को लहरा कर आएंगे या फिर तिरंगे से लिपट कर, लेकिन आएंगे जरूर। कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, उसी समय पाकिस्तान के बंकर की ओर से एक आवाज आई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक ये कह रहा था कि हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम चले जाएंगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने धुआंधार फायरिंग करते हुए कहा कि विद लव फ्रॉम माधुरी। उनके इस फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लाइव लगातार सलाम करता है ऐसे शूरवीरों को, जिनके बलिदान से आज हम आजाद हैं और सुरक्षित हैं। जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।